वैश्विक महामारी कोरोना एवं इसके प्रभावों से आज हर कोई जूझ रहा है। कोई अपने माता पिता को खो रहा है तो कोई अन्य निकट संबंधियों को। ऐसी संकट की घड़ी में वे बच्चे अधिक मुश्किल झेल रहे हैं जिनके माता पिता या तो अस्पताल में उपचाराधीन है या फिर कोरोना का ग्रास बन चुके हैं। ऐसे अनाथ बच्चों के संरक्षण, देखभाल एवं पुनर्वास के लिए जिला हमीरपुर में बाल संरक्षण सेवाएं योजना के तहत विशेष प्रबंध किए गए हैं। उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को उनकी पूरी तरह से देखभाल करने का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग ने उठाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ऐसे बच्चों को सुजानपुर स्थित अनाथ आश्रम में रखने की व्यवस्था की गई है। यहां कोविड-19 के नियमों के तहत सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अनाथ आश्रम में कोविड-19 महामारी से प्रभावित लड़कों के लिए एक आइसोलेशन रूम बनाया गया है जिसमें 4 बेड भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जिला हमीरपुर के बिजड़ी नदौन खंड में ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बच्चों के अनाथ होने की सूचना मिली है। इन्हें देखभाल व संरक्षण देने की पूरी प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। बाल कल्याण समिति के सदस्य वहां जाकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उसी आधार पर इन बच्चों को आश्रय दिया जाएगा। अभी तक पिछले कल तक हमारे संज्ञान में ऐसा एक मामला आया था जिसमें एक बच्चा जो है वो 18 साल से कम आयु का बच्चा, उनके पेरेंट्स की डेथ होने के कारण और एक पेरेंट की कोविड में डेथ होने के कारण जो है वो ऑर्फेंड हो गए थे। और इसी के तहत जो है फॉस्टर केयर योजना है WCD विभाग का, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग का, जो इस तरह के अलग अलग कारणों के लिए जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं उनकी देखभाल के लिए जो है सरकार द्वारा फॉस्टर केयर योजना में जो है ये सहायता जो है उनके देखरेख के लिए दी जाती है। तो उसी फॉस्टर केयर योजना के अंतर्गत जिन ऐसे केसेस हमारे सामने अभी कोविड काल में भी आ रहे हैं उनको भी पूरी सहायता जो है वो की जा रही है और आगे भी की जाएगी। पिछले कल तक एक ऐसा मामला जो है हमारे संज्ञान में आया था जिसकी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जो बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो है प्रेषित करने के उपरांत जो है जो भी कार्रवाई है वो बहुत त्वरित रूप में करके उनको सहायता प्रदान की जा रही है। आज ही 2 और बच्चों के बारे में भी सूचना मिली है और उनको भी जो है इसी स्कीम के अंतर्गत जो है सहायता प्रदान करने के लिए सारी कार्रवाई जो है वो जोर कदम में चल रही है। और इसी के साथ साथ सभी से अनुरोध है कि किसी के भी संज्ञान में इस तरह का कोई केस आता है, स्पेशली अभी कोविड के दौरान, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो कोविड के कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसी फॉस्टर केयर योजना के अंतर्गत जो है उनको हर संभव सहायता जो है वो WCD विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा दी जाएगी।